नमस्कार पेरेंट्स, आज मैं आप सबके सामने दोबारा से रूबरू हो रही हूँ। छुट्टियों का समय है, बच्चे बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हैं, पूरा घर आपका सर पे उठा रखा है। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ नॉटी बच्चों के बारे में। क्या आपको भी लगता है आपका बच्चा बहुत ज्यादा नॉटी है, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है और बाद में प्यार से आके आपको कन्विंस कर लेता है और आपकी सारी नॉटीनेस भूल जाते हैं? लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब ये नॉटीनेस आप लोगों को आपको शर्म का पात्र बनाती है। ये नॉटीनेस की वजह से आप उसे कहीं बाहर नहीं ले जा सकते। वो इतना नॉटी है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उनके दोस्त भी उनसे दूर होते जा रहे हैं, उनका सोशल सर्कल नहीं रहता है, वो सारा दिन अपनी मर्जी की बातें करने लगते हैं और जब आप उनको समझाने लगते हैं तो वो मिसबिहेव करते हैं। तो ऐसा क्या करना है कि आप अपने चंचल बच्चे को, नॉटी बच्चे को सही डायरेक्शन में और सही एनर्जी के साथ पढ़ाई में मन लगा सके। तो अब हम शुरू करना चाहते हैं कि नॉटी बच्चों के साथ कैसे काम करना है। इससे पहले कि मैं आपको टिप्स बताऊं, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारी टिप्स लेके आप लोगों के सामने आती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेरेंटिंग कोच डॉक्टर नेहा मेहता आपसे आज रूबरू हो रही थी कि कैसे आप अपने नॉटी बच्चे को सही ट्रैक पे या सही लाइन पे ला सकते हैं। सबसे पहले ये समझें कि अगर आपका बच्चा नॉटी है तो मतलब उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है और बहुत सारी एनर्जी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कहाँ तक और कितना समझाना चाहिए? देखिए, जब तक आप बच्चे को समझाएंगे तो शायद ये काम नहीं करेगा। तो आप करके दिखाइए ना, आप उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस समझाइए, आप उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक्शन रिलेटेड एक्टिविटी दीजिए। जैसे अगर वो नॉटी है और आपको लगता है कि वो बेड पे उछल रहा है और गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल्स उसके सामने रख सकते हैं, झूठे हैं या सच्चे हैं एग्जांपल रख सकते हैं कि बेटा अगर आप इतनी नॉटीनेस करोगे तो आपको बिल्कुल चोट लगेगी और चोट लगेगी तो फिर पेन होगा तो आपको हॉस्पिटल रहना पड़ सकता है। थोड़ा सा आटे में नमक की तरह झूठ भी चल जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे तो शायद उसकी हैबिट धीरे 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 अपने आप कम होने वाली है। टिप नंबर 2, अगर आप अपने बच्चे को नो बोलने वाले हैं तो वो डेफिनेटली काम नहीं करने वाला है। सोचिए, आपका बच्चा कोई गेम खेल रहा है, आपके हिसाब से वो मोबाइल यूज कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, वो ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उसे नो बोलेंगे और वो फोन बंद कर देगा तो आप गलत सोच रहे हैं। जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज वो बंद क्यों करेगा? सिमिलरली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2-3 बार नो बोलेंगे और वो समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इससे आप खुद ही टेंशन में आएंगे कि मैं इतना बोलती हूँ और ये काम नहीं कर रहा। तो कोशिश करें उन्हें बताएं व्हाट टू डू रादर देन सेइंग नो, टेल देम व्हाट टू डू कि क्या करना है। तो आप कोशिश करके उसे ये बोल सकते हैं कि बेटा फोन रखो, देखो तुम्हारे अंकल आए हैं, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। इससे क्या होगा, उसे ये पता चल जाएगा कि इसे छोड़ के अब नेक्स्ट काम क्या करना है। तो जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम काम करने लगेगा, आपका जो नॉटी बिहेवियर है, जो बिहेवियर आप नहीं चाहते कि वो करे, धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगा। तो अगर आप नो बोलेंगे तो शायद वो काम नहीं करेगा, उसकी बजाय आपको ये बोलना है कि अगली चीज क्या करनी है, व्हाट नेक्स्ट टू डू। टिप नंबर 3, यूजली जो नॉटी बच्चे होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं। वो नॉटीनेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी अटेंशन पाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको लुक ऑन करें। तो अब आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका बच्चा नॉटी है तो देखिए कि क्या वो अटेंशन तो नहीं लेना चाह रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं आपसे आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन लेकर वो आपको ये जताना चाह रहा है कि मम्मा मेरी केयर करो, मुझे लव करो, मैं ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ। कई बच्चे ये इसलिए करते हैं ताकि उनको चोट लगे, फिर आप उनके आसपास रहें, उन्हें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इस कारण को जानने की कोशिश करें, उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो, आपको ऐसा लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? तो कुछ दिन उनके साथ स्पेंड करें, उनका ये जो वहम है कि आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं या आपकी अटेंशन है, उससे प्लीज़ उनको देने की कोशिश करें। खुद पर भी कभी कभार काम करना ज़रूरी हो जाता है। टिप नंबर 4, देखिए ये टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके बच्चे नॉटी हैं उनको प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा दर्जा दें। यूजली अगर हम छोटे बच्चे पे किसी भी छोटे मोटे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो आपका नॉटी बच्चा उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है और अपना पूरा कमरा खराब करके रखता है, तो आप उसे कह सकते हैं, देखो बेटा आप बड़े हो, अब आपके फ्रेंड्स आएंगे और वो देखेंगे कि आपका रूम इतना खराब हो गया है तो उन्हें कैसा लगेगा, तो आप प्लीज़ अपना रूम क्लीन कर लीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स आए तो एटलीस्ट आपका भी स्टैंडर्ड बना रहे। तो आपने क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है उसी की लैंग्वेज में, बच्चों से बच्चों की तरह बातें करें तो शायद वो चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। तो आपने क्या करना है, खुद पे ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, कोशिश करनी है कि उनको बड़ा बनाएं, उन पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। देयर इज अ फेमस कोट, अगर आप बैड बॉय पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो तो वो भी एक गुड बॉय बन जाता है। तो अगर आप अपने नॉटी बच्चे पे थोड़ा सा किसी काम की, उसी के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो वो जरूर एक गुड बॉय बन के आपके सामने आएगा।
नॉटी बच्चे होते बहुत क्यूट हैं, बहुत चंचल होते हैं, और अगर बच्चे नॉटी नहीं होंगे तो क्या हम नॉटी होंगे? तो अपने नॉटी बच्चों को प्यार से, डायरेक्शन से, लव से गाइड करना है, ताकि वो एक प्यारे से बच्चे जब हम उनके साथ हैं तब एक अच्छे बिहेवियर के साथ सटल रह सकें, जब आप बाहर जाते हैं तो एक अच्छे तरीके से बिहेव कर सकें, और घर पर जब उनको नॉटी होना है तो नॉटी भी रह सकें। उनको अपना बिहेवियर अपने हिसाब से कंट्रोल करना आपने सिखाना है। आप उसके लिए रोल मॉडल भी बन सकते हैं, उनको रोल मॉडल बनवा भी सकते हैं कि देखिए आप, मैं भी नॉटी थी, मैं भी ऐसे थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को चेंज किया और लोग आजकल मुझे बहुत पसंद करते हैं। एप्रिसिएशन देंगे, उनकी लड़ाइयों को या उनकी गलत पॉइंट को अकेले में समझाएंगे तो वो चीज़ें काम करेंगी। तो अब आपको पता चल गया है कि आपने अपने नॉटी बच्चे को, अपने शैतान बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है। तो अब आप इन टिप्स को फॉलो करें, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी पेरेंटिंग कोच डॉक्टर नेहा मेहता आप लोगों के सामने फिर से आती रहूंगी और बहुत सारी वीडियो लेकर। लेकिन अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक का कॉन्टैक्ट है, मेरा पर्सनल नंबर है, जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूँ आपसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मैं बहुत सारे और टॉपिक्स ढूंढती हूँ, सोचती हूँ, जिस हम सब मिलकर इस बारे में बात कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझसे जुड़ते रहें।